यति नरसिंहा आनंद का एक बयान जो है नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त, और ये जानता है या ये समझता है कि कानून इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, एक मुसलमान के लिए नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और ये मुतालिबा भी रखा है कि खाली FIR तक ही यहाँ पे ना रुके, बल्कि उसको अरेस्ट करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आज सुबह फजर के बाद एक सोशल मीडिया पे एक कौमी यति नरसिंहा आनंद का एक बयान जो है नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त जो है सोशल मीडिया पे आया था, तो सुबह 7 बजे मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा की हिदायत पर एक कॉल आया कि इसके ऊपर हम लोग एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट के सदर नईम खान साहब, ब्लॉक के सदर अहमद भाई और सिटी प्रेसिडेंट अजमल गोला साहब, हमारे मज़र आलम खान साहब, वाहिद अली फ़ातह खानी साहब, अब्दुल क़दीर चुंगे साहब और मुख्तलिफ दूसरे कॉरपोरेटर्स, साबिका कॉरपोरेटर्स ने बैठकर एक मीटिंग की और पुलिस से रुजू हुए। तो क्योंकि आज कुछ सर्कल और ACP साहब कहीं मुख्तलिफ कुछ काम से बिजी थे, तो हमको शाम का टाइम दिया गया। हम लोगों ने आज FIR बुक कराई है और ये मुतालिबा भी रखा है कि खाली FIR तक ही यहाँ पे ना रुके, बल्कि उसको अरेस्ट करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये शख्स इज़ रेगुलर ऑफेंडर है, इसको ये आदत पड़ चुकी है और ये जानता है या ये समझता है कि कानून इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हमने अभी पुलिस महकमे से यही बात की है कि साहब इसको एक सबक सिखाना ज़रूरी है, और अब क्योंकि FIR हो चुकी है, अब जिम्मेदारी महकमा पुलिस की है, कानून की है कि किस तरीके से उसको घेर कर UP से यहाँ लाते हैं। ये लोग पब्लिसिटी के भूखे हैं, लेकिन ये लोग इस कदर आगे बढ़ जा रहे हैं कि जो हमारे लिए एक मुसलमान के लिए नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी भी हम मतलब कोई वजह ही नहीं हो सकती है कबूल करने की। ये बार बार ये बता के ये समझ रहे हैं कि ये हमको ये मुसलमानों को टारगेट करने का, तो इनको कहीं ना कहीं इनकी गवर्नमेंट के भी सपोर्ट, BJP का लाइक माइंडेड गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो ये हम इसीलिए इसके खिलाफ है। हम ये भी एक मुतालिबा रखेंगे कि ऐसे अफेंडर के खिलाफ या तो उम्र कैद या सजाए मौत के भी कानून आना बहुत जरूरी है। एक्शन लेने के लिए ही तो यहाँ है ना। अभी अब जो यहाँ पे इतने मुसलमान बैठे थे, जो यहाँ पे जो एहतजाज हुआ है, जो अपना गुस्सा इजहार करे है, वो FIR के लिए कानूनी तौर से महकमा पुलिस को वही बोले है कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। अब देखना है कि महकमा पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। आप एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है माइनॉरिटी कांग्रेस के, जी से कुछ स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जी तो कांग्रेस की जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ पर भी बिल्कुल बिल्कुल आज इस आप जो बोल रहे हैं, आज जितने यहाँ के लोकल कायदीन है उसके ऊपर आज ये गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह हम हमारे जो बड़े कायदीन उनके साथ ये बैठ के मुतालिबा बराबर रखेंगे कि जहाँ जहाँ भी स्टेट के उसमें गुस्ताखियाँ हुई हैं उनके ऊपर हर बार सिर्फ FIR हुआ है, और ये लोग प्रिपेयर्ड हैं, ये लोग जानते हैं कि इनके बयान के बाद FIR होगा, ये लोग मशहूर होने के लिए इस तरह की हरकत। बेशक आप ये घटिया किस्म की शहरत के वसीम साहब, ये घटिया किस्म की शौहरत कांग्रेस और मुसलमानों को इंस्टिगेट करना, कम्युनल हार्मनी को टार्निश करने का है। आप कांग्रेस गवर्नमेंट में मौजूद हैं जी, आप अपनी तरफ से हुकूमत आपके कांग्रेस के हाईकमांड को इस तरह से क्या मैसेज देना चाहें? नहीं, हम आपको मैं अभी बोला ना, आज यही हमारा डिस्कशन रहा है कि हम इसी मुद्दे को लेकर हमारे कायदीन से बात करेंगे और इमीडिएट इसके ऊपर एक कानून लाने के लिए मुतालिबा रखेंगे। इंशाल्लाह ये भी जब होगा तो आपको अपडेट देंगे।